आठ मिनट आठ बड़ी खबरें। वेलकम टू द ईच स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवी का तड़का द एट मिनट्स शो। आठ मिनट आठ बड़ी खबरें मतलब आठ मिनट्स में हम आठ बड़े टॉपिक्स को करने वाले हैं डिस्कस, जिसमें सेलिब्रिटीज के ऑन स्क्रीन बिहाइंड द स्क्रीन लड़ाई झगड़े और मस्ती मजाक को करेंगे डिस्कस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ईद स्पेशल फिल्म बेबीलिशियस, जिसमें सेपरेट हुए कपल सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी नजर आने वाले हैं, उसके प्रीमियर की हम वीडियोज आपको ईद के दिन दिखा रहे हैं। ये वीडियोज आई हैं प्रीमियर से सामने, जिसमें रमशा खान, युमना ज़ैदी नजर आ रहे हैं शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ के साथ बेबीलिशियस को प्रमोट करते हुए। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। फिल्म तो आज सिनेमाज घरों में लग चुकी होगी, अगर आपने देखी है या देखने वाले हैं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी। युमना ज़ैदी की जैसे ही ये वीडियो सामने आई है ऑडियंस बेहद खुश हो रही है। उनको मीरब के किरदार की वजह से ऑडियंस हर जगह अब देखना पसंद करती है। वहीं पर शहरोज सब्जवारी की करंट वाइफ जो हैं उनके साथ वो भी नजर आई हैं सदफ कमल। ऑडियंस ने उनको भी काफी पसंद किया है प्रीमियर नाइट पर आकर, कि उन्होंने अपनी शोहर की एक्स वाइफ की फिल्म को प्रमोट किया है। ऑडियंस इस बात पर खुश हैं कि सदफ ने दिल में कोई ग्रज नहीं रखा है। इसके अलावा सदफ के अलावा उनके साथ पाकिस्तान की बड़ी सुपरस्टार सजल अली भी नजर आई हैं। प्रीमियर नाइट पर और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस नजर आए, लेकिन जिनका चर्चा हुआ वो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ युमना ज़ैदी थी। अगर आपने फिल्म देख ली है या देखेंगे तो अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा आपको वो कैसी लगी। दूसरे टॉपिक में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म, जिसमें पाकिस्तान का टॉप गाना पसूड़ी उस पर उन्होंने एक्ट किया है, वो उन फिल्म में एड किया है, उन्होंने रीमेक किया है पसूड़ी का, जो पूरे हफ्ते ही छाया रहा। गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज में गाया था, लेकिन ऑडियंस को गाना बिल्कुल पसंद ना आया। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है कि ऑडियंस इसको इतना हेट दे रही है, ऑडियंस में से किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। यहां तक के ऑडियंस कमेंट्स में यहां तक कह रही है कि हमें ओरिजिनल पसूड़ी ही पसंद है, हमें ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। इसके साथ साथ जो शैगिल है इस गाने की असली सिंगर, उन्होंने तो यहां तक कॉमेंट कर दिया है कि मुझे तो इसके किसी रीमेक के बारे में पता तक नहीं है कि इसको रीमेक किया भी जाएगा या नहीं, लेकिन रीमेक हो चुका है लेकिन किसी को पसंद नहीं आ रहा। वहीं पाकिस्तानी ऑडियंस ने इस पर खूब सारी मीम्स बनाई हैं, जिसमें से एक आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी कि पसूड़ी ओरिजिनल ऐसा था और रीमेक उन्होंने ऐसा किया है, और काफी सारी ऑडियंस इस पर खूब हंस भी रही है। इसी पर अदनान सिद्दीकी ने रिएक्ट करते हुए कहा, एंड बॉलीवुड डिड एग्जैक्टली व्हाट वी फियर्ड, और बॉलीवुड ने वही किया जिसका हमें डर था, हैशटैग पसूड़ी हैशटैग नो गुड एज यूजुअल। उनको भी ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया है और उन्होंने भी यही कहा है कि बॉलीवुड ने गाने का बेड़ा गर्क कर दिया। टी सीरीज ने इसको टाइटल दिया था रिलीव द ग्लोबल हिट योर फेवरेट ट्रैक कमिंग सून। उन्होंने पसूड़ी को ग्लोबल हिट का नाम दिया ना कि पाकिस्तानी हिट का, जिस पर एक्ट्रेस अमर खान ने रिएक्ट कर कहा है, वेट अ सेकंड, आई विश दे हैड टाइटल इट एज अ पाकिस्तानी हिट कॉज ग्लोबल हिट। मेरी ख्वाहिश थी कि ये इसको पाकिस्तानी हिट का नाम देते ना कि ग्लोबल हिट का। इज वेरी स्मार्टली प्लेस टू अवॉइड द ओरिजिन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग। उन्होंने बड़ी चलाकी के साथ आइकॉनिक सॉन्ग के जो असली ओरिजिन थे उनको भुला दिया है। मेड इन पाकिस्तान है ये, ना कि दूसरा कोई और। नो क्रॉस बॉर्डर हेटेड, किसी भी बॉर्डर पार लोग को नफरत नहीं है मेरी तरफ से। आई हैव ग्रोन अप ऑन इंडिया सॉन्ग्स, मैं इंडिया के गाने सुनकर बड़ी हुई हूँ, एंड आई हेट व्हेन दे रियन देयर ओन क्लासिक्स ऑफ लेट। इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया था, जिस पर रिएक्ट कर राबिया कुलसुम ने कहा, और एक्टर्स आर बैन इन इंडिया बट सॉन्ग्स आर नॉट। हमारे एक्टर्स को तो आप लोगों ने बैन कर दिया लेकिन गानों को क्यों नहीं। यही बात है कि आजकल बॉलीवुड की तमाम फिल्म्स और गाने फ्लॉप हो रहे हैं, जिस वजह से उनको पाकिस्तानी सॉन्ग्स का सहारा लेना पड़ रहा है। मेकर्स को तो हेट मिल ही रहा था, लेकिन सॉन्ग के सिंगर अरिजीत सिंह को भी ऑडियंस ने काफी हेट दिया कि आपने ये गाना गाया ही क्यों, जिसका रिस्पॉन्ड करने के बाद उनको काफी ज्यादा हेट मिलना कम हो गया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने अली सेठी को टैग कर कहा, यू आर अमेजिंग, विश यू कुड जॉइन अस इन दिस, आप बहुत ही कमाल के हैं, ख्वाहिश थी कि आप भी हमें इस गाने में ज्वाइन करते, और इवन बेटर, विश यू कुड सिंग इट फॉर द फिल्म, और भी बेहतर हो सकता लेकिन अगर आप खुद ही ये सारा गाना अपनी आवाज में गा देते। वन पर्सनल थिंग, माय किड्स आर नॉट गोना गो फॉर द न्यू वन, दे लव द ओरिजिनल लाइक फादर। मेरे बच्चे इस नए गाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, उनको ओरिजिनल वाला ही पसंद है, जैसे कि मुझे खुद को ओरिजिनल पसंद है। एक ट्वीट जो एक फैन ने किया, कैन आई आस्क वन थिंग, क्या मैं एक चीज पूछ सकता हूँ, व्हाई डिड यू से यस टू दिस, आपने ये गाना गाने के लिए हाँ क्यों की, आई मीन इट्स योर चॉइस, क्या ये आप
आपकी अपनी चॉइस थी, बट एज अ कर्टेसी आई मीन व्हेन यू न्यू इट वाज बिफोर वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, हमें पहले ही पता था कि ये होगा। जिसका जवाब देते हुए अरिजीत सिंह ने कहा, द मेकर्स हैज प्रॉमिस्ड मी अ ईयरली फंड फॉर अ स्कूल फॉर अनप्रिविलेज्ड। जो गाने के मेकर्स हैं उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो एक साल के फंड्स देंगे उन स्कूल्स को जहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, उन बच्चों को वो पढ़ाएंगे। ये जो ट्वीट का रिप्लाई था सुनकर काफी ज्यादा ऑडियंस खुश हो रही है और अरिजीत सिंह को हेट देना बंद कर रही है। ईद है, कुर्बानी का जानवर लेने तो सभी एक्टर्स गए होंगे, लेकिन वहां जलीम मुर्तजिम के रोल में ऑडियंस को इतने पसंद हैं कि उनके मास्क में एक वीडियो खूब वायरल हो रही है बकरा मंडी से, जिसमें वो बकरी की शॉपिंग करने गए हुए हैं। ईद मुबारक का टैग उन्होंने दे दिया है स्टोरी को रिशेयर करते हुए। ऑडियंस को उनकी ये वीडियो जो क्यूट सी है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। आपने अगर कुर्बानी का जानवर लिया है और अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद है जिसने कुर्बानी नहीं की, तो अपने आसपास लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। मैसेज फ्रॉम द टीवी का तड़का। पिछले हफ्ते में मजाक रात शो में एक एपिसोड जिसने मचाया खूब धमाका और तहलका, जिसमें एक्ट्रेस सारा नीलम ने कह दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आकर बहुत नखरे दिखाते हैं और कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं, चाहे बाहर वॉशरूम ही साफ क्यों ना करते हों। उनकी स्टेटमेंट ने ओवरसीज को काफी हर्ट कर दिया, जिस पर इनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग मिली, लेकिन अब उन्होंने खुद सामने आकर माफ। आज वीडियो बनाने का मकसद ही कुछ चीजों को क्लियर करना था और बैरूने ममालिक में रहने वाले मेरे भाई और उनकी फैमिलीज के लिए वीडियो है। कुछ टाइम पहले मैंने मजाक रात शो किया था और हाल ही में 2 दिन पहले एक मेरा वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिससे मेरे भाइयों के बहुत दिल पे ठेस पहुंची, बहुत उनकी दिल आजारी हुई। तो मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था, मेरा आपको तकलीफ देना बिल्कुल मतलब नहीं था। वो पता है कि मजाक रात शो स्क्रिप्टेड होता है। मुझे भी बोला गया कि अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो प्लीज़ वो मजाक होगा, डोंट बी सीरियस। उसे लेके आखिर तक वीडियो में हंसी मजाक ही चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी बात आप लोगों को इतनी बुरी लगेगी या इतना मेरी वजह से आप हर्ट हो गए। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। उन्हें तो सब कर लिया, लेकिन आप लोग ये जानते हो कि उस यूट्यूब पे कमेंट्स और ये सब चीज़ों से मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, मैं मेंटली कितनी डिप्रेस्ड हुई होंगी। मैं ना एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, एक शरीफ खानदान से, तो मेरे लिए कितना मसला होगा आप लोगों को ये नहीं पता। मेरे बहुत से रिश्तेदार, मतलब आधे से ज्यादा रिश्तेदार मेरे बैरूनी ममालिक में सेटल्ड हैं। एक छोटी सी गलती पे तो अल्लाह भी माफ कर देता है। आप तो इंसान है, आप लोग क्या माफ नहीं कर सकते। पूरे हफ्ते हुई काफी सारी बर्थडे, जिसमें हमजा अली अब्बासी की बर्थडे पर उनको विश किया निमल खबर खान ने, वहीं पर थीम बर्थडे पार्टी हुई बिलाल कुरैशी के बेटे सुहान की, और ज़ैनब शबीर की बर्थडे के मौका पर विश किया उनको उनके बेस्ट फ्रेंड उसामा खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट को शेयर करके। रिलीज हुए कुछ नए ड्रामों के ऑफिशियल पोस्टर, जिसमें फितूर, कपल, हिबा बुखारी, फैसल कुरैशी स्टारर काबिल और अलीज़े शाह, शरव सब्ज़वारी, यशमा गिल स्टारर ड्रामा खेल, जिसका पोस्टर रिलीज हुआ हम टीवी पर, और जियो टीवी का ड्रामा मुझे कबूल नहीं है, जिसमें एहसन खान, समी खान और मदीहा इमाम नजर आएंगे। ये 3 ड्रामों के नए पोस्टर रिलीज हो चुके हैं। कैसी लगी आपको दूसरी एपिसोड द 8 मिनट शो की, जो थी ईद स्पेशल एपिसोड? अपनी फीडबैक कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।